वंडरफुल वेस्ट। ये क्लास फाइव का चैप्टर टू है इंग्लिश का और आज हम लोग यही स्टोरी करने वाले हैं। वंडरफुल वेस्ट एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कभी कभी वेस्ट मटेरियल्स भी हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं, काफी लाभदायक हो सकते हैं। कैसे, ये हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। वेस्ट मीन्स ऐसी वस्तुएं जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है और जिसे हम बाहर फेंक दिया करते हैं। यह स्टोरी है एक किंग की, एक महाराजा की। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनपोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार ट्रेवनपोर के महाराजा ने एक शानदार डिनर का आयोजन करने का आदेश दिया अपने राजमहल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट। इन द आफ्टरनून, उस दिन दोपहर में, डिनर से पहले, यानी जिस दिन रात में डिनर होना था उसी दिन दोपहर में महाराजा किचन में पहुंचे इंस्पेक्ट करने के लिए, सर्वे करने के लिए डिशेस का, कौन कौन से डिशेस बने हैं ये देखने के लिए महाराजा अपने उस शाही किचन में गए। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट, उन सारे डिशेस को चेक करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए जो कि उस दिन के शानदार दावत के लिए बनाया गया था। What are you going to do with those vegetable scraps? Vegetable scraps सब्जियों के टुकड़े होते हैं जो सब्जियों से गैर जरूरी समझकर काट कर अलग कर दिए जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं vegetable scraps। So the king asked, महाराजा ने पूछा, What are you going to do with those vegetable scraps? इन सारे सब्जियों के छिलकों और टुकड़ों से तुम क्या करने वाले हो? He asked the cook, उसने रसोइये से पूछा। Pointing to the basket of scraps, उस स्क्रैप के बास्केट की ओर इशारा करते हुए नियर द कुक, जो कि कुक के पास रखा हुआ था। द कुक रिप्लाइड, उस कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, ये वेस्ट मटेरियल्स हैं, बेकार हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम लोग उन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, तुम इतने सारे सब्जियों के टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते, उन्हें फेंक नहीं सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, उन्हें इस्तेमाल में लाने का तरीका ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, महाराजा ने सख्ती के साथ, कठोरता के साथ आदेश दिया एंड वॉक्ड अवे। इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, महाराजा ने आदेश दिया कि इतने सारे सब्जियों के टुकड़ों को फेंकना नहीं है, उसे इस्तेमाल में लाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढो। महाराज ने कठोरता से आदेश दिया और वहां से निकल पड़े। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। द कुक वॉज इन अ फिक्स, ए फिक्स एक ऐसा कंडीशन होता है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं और उससे निकलने का हमारे पास कोई तरीका सामने दिखाई नहीं पड़ता। द कुक वॉज इन अ फिक्स, कुक एक ऐसे ही मुसीबत में फंस गया था। एंड केप्ट स्टेयरिंग, और देखता रहा एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, उन सब्जियों के टुकड़ों को, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक। सडनली, और फिर अचानक ही एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, उसने सारे वेजिटेबल के टुकड़ों को, जितने भी स्क्रैप्स थे उन्हें उठा लिया, वॉश्ड देम, उन्हें अच्छे से धुला, एंड क्लीन देम, उसकी सफाई की। Then he cut them into long strips. उसके बाद उसने उनके पतले पतले टुकड़े काटे। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उन सबको उसने एक बड़े बर्तन में डाला और उसे आग के ऊपर चढ़ा दिया पकाने के लिए। Next, he ground some fresh coconut. उसके बाद उसने कुछ ताजा नारियल, green chilies, हरी मिर्चे, and garlic, और थोड़ा garlic को मिला करके, इन तीनों को एक साथ मिला करके, और उसे अच्छे से पीसा, उसे ग्राउंड किया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसने उस पेस्ट को, फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज, गार्लिक, सबको मिला के उसने जो पीस करके मसाला तैयार किया था, उसे उस पेस्ट को, उस पेस्ट में उसने कुछ नमक मिलाया और कुछ कुकिंग वेजिटेबल्स, और उसे मिला करके उसे कुकिंग वेजिटेबल्स में डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. Tempting का मतलब लालच दिलाने वाला, ऐसा स्मेल जिस स्मेल से मुंह में पानी भरा है, ऐसा स्मेल को हम लोग कहते हैं tempting smell. A tempting smell started coming from the pot. अब उस बर्तन से बहुत ही अच्छी सुगंध आने लगी। Now he whipped some curd and added it to the curry. अब उसने थोड़ा दही लिया और दही को खूब अच्छे से मिला करके और उसे उस करी में मिला दिया। वो जो डिश बन रहा था वेजिटेबल स्क्रैप से, उसमें उसने मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद उस न्यू डिश में उसने कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल मिलाया और उसके बाद उसने उस डिश को करी के पत्तों से अच्छे से सजाया। लो एंड बिहोल्ड, और ये तो आश्चर्य हो गया,
द न्यू डिश वॉज रेडी और एक नया डिश बनकर तैयार हो गया। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। कुक ने उस न्यू डिश को सारे गेस्ट के सामने परोसा। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर कोई अब उस नए डिश का नाम जानना चाहता था। द कुक थॉट एंड थॉट। वो कुक सोच में पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो कोई डिश तो था नहीं, उसने अचानक ही बना दिया था। द कुक थॉट एंड थॉट। कुक गहरी सोच में पड़ गया। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल। उसने उसका नाम बताया एवियल। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। एवियल धीरे धीरे पूरे केरला में काफी फेमस हो गया और अब तो वो केरला के ट्रेडिशनल डिश में सबसे इम्पोर्टेंट डिश है। ट्रेडिशनल केरला फेस्ट में, यानी केरला में जो शानदार दावतें पुराने तरीके से अभी भी आयोजित की जाती हैं, उसका ये सबसे शानदार डिश है और हर एक ऐसे फेस्ट में इसे बनाया जाता है। सो एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। एवियल पूरे केरला में मशहूर हो गया और केरला में आयोजित होने वाले सभी ट्रेडिशनल फेस्ट में इसे बनाया जाने लगा। एंड इमेजिन, और जरा कल्पना करो, इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। ये सब बना कहां से था? ये नया डिश आया कहां से था? इट ऑल केम, ये आया था ए बास्केट ऑफ वेस्ट, रद्दी की टोकरी से, उन सारे वेजिटेबल स्क्रैप से जैसे कि फेंक दिया जाने वाला था। इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखेंगे, दो बार तीन बार रिपीट करेंगे, जिसमें कि आपको यह स्टोरी और इसका हर एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए अब हम लोग थोड़ा ग्लॉसरी मीनिंग करते हैं। इसमें आने वाले कुछ ऐसे वर्ड जो आपके लिए न्यू हो सकते हैं, मैं उनका मीनिंग आपको बता दूं। इन अ फिक्स, ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। ऐसी परिस्थिति में फंस जाना जिससे बचना नामुमकिन हो। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मीन्स सडनली थिंक ऑफ, अचानक से कोई आइडिया आ जाना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड मीन्स लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो कैसा आश्चर्य हो गया। ट्रेडिशनल फिस्ट, ट्रेडिशनल फिस्ट मीन्स हर्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेजन। अ स्पेशल ओकेजन पे बनाया जाने वाला लोगों का पसंदीदा खाना। इसके बाद मैं आप लोगों को पोस्टर आंसर प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को दो तीन बार रिपीट करके देखिए, जिसमें कि इस स्टोरी को आप अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।